दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट खबर के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज सूचना का अधिकार हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। क्या है इसकी पूरी जानकारी, क्या क्या सवाल आप पूछ सकते हैं और सूचना के अधिकार के तहत आप क्या क्या जानकारी सरकार से ले सकते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दोस्तों आप लोगों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, आपको ऐसी अपडेट व अलर्ट न्यूज मिलते हैं। दोस्तों अपडेट खबर यह है कि सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में नई पहल हुई है। इसके तहत नागरिक व सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी और राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप से फोन पर या फेसबुक पर पेज पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सूचना के अधिकार के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम और मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस व अपील नियम 2005 के प्रावधान के बारे में आवश्यक जानकारी देने के साथ सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके लिए हम हर हफ्ते के अंतिम कार्य दिवस शुक्रवार शनिवार पर अपराह्न यानी कि दोपहर 4 से 5 बजे का समय निश्चित किया गया है। सूचना आयुक्त आत्मदीप ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सबके लिए हितकारी सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की स्थिति को बेहतर बनाना है और इसके लिए सुविधा शुरू करने इसके अलावा उनके द्वारा विभिन्न जिलों के दौरे कर गैर सरकारी संस्थाओं व संस्थाओं के कार्यक्रमों में सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी दी जा रही है। जिलों में अपीलीय अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों व अन्य संबंधित लोक सेवकों की कार्यशालाएँ भी आयोजित की जा रही है। साथ ही भोपाल कोर्ट में और जिलों में कैंप कोर्ट लगाकर अपीलों की सुनवाई के दौरान भी सभी पक्षकारों की काउंसलिंग की जा रही है। आयुक्त के अनुसार इन सब प्रयासों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि सूचना का कानून लागू हुए 12 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी ज़्यादातर वर्गों के लोगों को इस महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। नतीजे में देश का प्रदेश की 1/4 आबादी भी सूचना के अधिकार का उपयोग नहीं कर रही है। इस मामले में महिला, BPL एवं ग्रामीण वर्गों के लोग सबसे पीछे हैं। प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता में कमी के कारण ही हालात बने हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए इस स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और खासकर इसलिए क्योंकि सूचना का अधिकार जनता को और सशक्त बनाने की पुनीत ध्येय होगा। यह एक मौलिक अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था में सुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोक सेवकों में जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रभावी उपकरण सिद्ध हो रहा है। इस ताकतवर और असरदार अधिकार का सदुपयोग कर नागरिक और लोक सेवक भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से मुक्त एवं जनता के प्रति उत्तरदायी सुशासन को सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को स्वस्थ सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसलिए सभी संबंधियों की ओर से ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि सूचना के अधिकार की पहुँच ज़्यादातर नागरिकों तक हो। आयुक्त ने आशा जताई है कि लोक सेवकों के सहित तमाम तबकों के लोगों को सूचना के अधिकार से संबंधित जिज्ञासा का उत्तर पाने के लिए फोन पर, फेसबुक पेज पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की शुल्क रहित आसान सुविधा उपलब्ध होने से सभी पक्ष लाभान्वित होंगे। आवश्यकता होने पर यह सुविधा रोजाना मुहैया कराई जाएगी और फेसबुक लाइव पर भी संवाद किया जा सकेगा। तो दोस्तों यह था आपके लिए अपडेट खबर और सूचना का अधिकार जो है उसके जो कार्यक्रम है और जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर का दिन है इनसे, हर हफ्ते का अंतिम कार्य दिवस शुक्रवार शनिवार आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कुछ भी योजना के बारे में या सरकारी योजनाएं चल रही है किसी बारे में आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट टाइम है दोस्तों दोपहर 4 से 5 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर है 0755-255-6873 और एड्रेस है भूतल सूचना भवन पर्यावास के पीछे अरेरा हिल से भोपाल। और फेसबुक पेज पर आप जाना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इनको https://www.facebook.com/atmadeep-rti। देश और मध्य प्रदेश की दोस्तों बड़ी खबरें प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसे अपडेट वाले न्यूज़ मिलते रहे। दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट की जानकारी इसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने पूरी डिटेल दी हुई। इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आप टाइम और नंबर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।